नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और इस वक्त भारत 24 पर आप देख रहे हैं द रूबिका लियाकत शो। आज अगले कुछ मिनट आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है और ये शो देखना एक भारतवासी के लिए क्यों जरूरी है, आपको समझा देती हूँ हमारी तैयारी के जरिए। सबसे पहले, आप आज ग्लोबल गुरु भारत कैसे बना है, हर मुद्दे पर दुनिया कैसे सहमत हो रही है, सिलसिलेवार तरीके से बताने और समझाने वाले हैं। G20 की कामयाबी टीम भारत की कहानी, यानी ये कामयाब कैसे हो पाया है, वो टीम कौन सी है, आप जानने वाले हैं। और तीसरी खबर होगी कूटनीति पर, सनातनी सील, दिल, दोस्ती और डील, ये खबर किस तरफ इशारा कर रही है और क्यों कर रही है, अब से कुछ ही देर में आप जानने वाले हैं। और फिर ये बात, ये मेरा हिंदुस्तान है कि जिसकी वसुदेव कुटुंबकम आज की तारीख में पहचान बन चुकी है। तो ग्लोबल गुरु भारत, जब आप ये सुनते हैं तो कैसा लगता है आपको? ये शब्द सिर्फ कहने वाला या बोलचाल की भाषा वाला कोई आम शब्द नहीं है, समझ लीजिए भारत ग्लोबल गुरु है और ये भारत ने साबित कर दिया है। G20 की बैठक का सक्सेसफुल आयोजन ग्लोबल गुरु की कामयाबी का सिर्फ एक हिस्सा भर है। G20 की मीटिंग में दुनिया के तमाम देशों को एक साथ जोड़ना ही भारत को कामयाब बनाता है। तमाम मुल्कों को एक टेबल पर, एक पेज पर, एक बात के लिए राजी कर देना, सहमत बना लेना या सहमत कर लेना, भारत को ग्लोबल गुरु का दर्जा देता है। G20 सम्मेलन तो हर साल होते हैं, लेकिन क्या इन सम्मेलनों में हर बार इसी तरह का साझा घोषणा पत्र जारी हो पाता है? जवाब है नहीं। पिछले साल इंडोनेशिया के बाली समिट में ही सभी देश, आप देख लीजिए, सहमत नहीं हो पाए थे। ये प्रधानमंत्री मोदी और भारत का विजन ही है कि दुनिया के बड़े देश अफ्रीकन यूनियन को भी G20, और बड़े देश कौन से, सुपर पावर, G20 में अफ्रीकन संघ को शामिल करने पर सहमत हो गए। ग्लोबल गुरु भारत का ही ये पावर है जो खटास में पड़ते अमेरिका और सऊदी के रिश्ते को चाशनी में घोलकर दोनों देशों को एक टेबल पर लाता है। ये ग्लोबल गुरु भारत ही है जो सऊदी अरब और इजराइल, दो अलग धुरी वाले देशों से एक कॉरिडोर डेवलप करने पर सहमति बनवा लेता है। G20 समिट में कितने फैसले हुए, क्या फैसले हुए, ये सब जानना बेहद जरूरी है। लेकिन उससे भी जरूरी है इन फैसलों के पीछे की स्टोरी, जिसे अक्सर लोग इनसाइड स्टोरी भी कहते हैं। तो मुश्किलों भरे G20 को कैसे भारत ने आसान बनाया, इस पर बात करते हैं। शुरुआत करते हैं G20 के नई दिल्ली डिक्लेरेशन से, जिसे G20 का साझा घोषणा पत्र भी कह रहे हैं। आमतौर पर G20 या फिर इसी तरह की मल्टी नेशन मीटिंग्स में घोषणा पत्र आखिरी दिन जारी होता है, लेकिन नई दिल्ली डिक्लेरेशन G20 मीटिंग के पहले दिन ही जारी हो गया। इस डिक्लेरेशन पर सभी देश पहले दिन ही राजी हो गए। उन विवादित मुद्दों पर भी सब सहमत हुए जिन पर देशों के बीच गंभीर विवाद है। यूक्रेन युद्ध को इस घोषणा पत्र में दुनिया में महंगाई बढ़ाने वाला बताया गया। इस युद्ध को दुनिया पर नेगेटिव इंपैक्ट या नकारात्मक प्रभाव पड़ने का भी जिम्मेदार बताया गया है। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के देश बिना युद्ध के घोषणा पत्र जारी करने के लिए राजी नहीं थे। वहीं रूस और चीन यूक्रेन युद्ध का जिक्र तक सुनने के लिए तैयार नहीं थे। फिर भी साझा घोषणा पत्र जारी हुआ। और उससे भी अहम बात, घोषणा पत्र में यूक्रेन युद्ध का 5 बार जिक्र किया गया। इसके बावजूद रूस और चीन ने भी सहमति दी। अभी अभी एक खुशखबरी मिली है, हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है।
मेरा प्रस्ताव है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडॉप्ट किया जाए। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। G20 के साझा घोषणा पत्र में आतंकवाद का भी जिक्र किया गया है। आतंकवाद से दुनिया के सामने आ रही चुनौतियों का जिक्र किया गया है। आतंकवाद को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया गया है। आतंकवाद का मुकाबला मिलकर करने की बात की गई है। आतंकवाद या आतंकवादियों का किसी भी रूप में समर्थन करने वालों का विरोध करने की भी बात दर्ज है। आतंकवाद पर भारत और अमेरिका के रुख का चीन हमेशा विरोध करता रहा है। पाकिस्तानी आतंकवादियों के समर्थन में हमेशा खड़ा रहा है। इसके बावजूद चीन इस मुद्दे पर भी सहमति देने को मजबूर हुआ। नई दिल्ली घोषणा पत्र में क्लाइमेट चेंज पर बात है। हरित ऊर्जा को 100% अपनाने पर बात है। इस मुद्दे पर विकसित देश हमेशा से ही विकासशील देशों की बातों को नजरअंदाज करते रहे हैं, लेकिन इस बार भी आम सहमति बनी, यानी भारत ने एक धरा, एक परिवार और एक भविष्य का जो आह्वान किया है उस पर पूरी दुनिया सहमत हुई है। आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदले। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। G20 सम्मेलन के दौरान चीन के वन बेल्ट वन रोड को दरकिनार कर नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ। भारत से शुरू होकर यूरोप तक पहुंचने वाले कॉरिडोर की नींव पड़ी। भारत से UAE तक की समुद्री मार्ग, फिर UAE से सऊदी अरब और जॉर्डन होते हुए इजराइल तक रेड रोड मार्ग, इजराइल से ग्रीस तक समुद्री मार्ग पर बात बनी और ग्रीस से पूरे यूरोप तक रेल और सड़क मार्ग, जबकि अमेरिका तक समुद्री मार्ग पर बात बनी। सऊदी अरब और इजराइल के संबंध दशकों से खराब हैं। हाल के दिनों में सऊदी अरब ने अमेरिका के बजाय चीन की तरफ झुकाव बढ़ा लिया है। जुलाई 2022 में बाइडेन की सऊदी यात्रा के बावजूद सऊदी अरब ने चीन को युआन में क्रूड ऑयल बेचना शुरू किया। ये सभी चुनौतियां थी, लेकिन भारत ने ग्लोबल गुरु बनकर सऊदी, इजरायली और सऊदी अरब अमेरिका संबंधों को फिर से मिठास में घोल दिया है। आज हम सब ने एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक समझौता संपन्न होते हुए देखा है कि कनेक्टिविटी विभिन्न देशों के बीच आपसी व्यापारी नहीं, आपसी विश्वास भी बढ़ाने का स्रोत है। कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स को प्रमोट करते हुए कुछ मूलभूत सिद्धांतों का सुनिश्चित किया जाना महत्वपूर्ण है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय नॉर्म्स, रूल्स तथा लॉज का पालन, सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान, डेट बर्डन की जगह फाइनेंशियल वायबिलिटी को बढ़ावा देना और पर्यावरण के सभी मापदंडों का पालन करना। आज जब हम कनेक्टिविटी का इतना बड़ा इनिशिएटिव ले रहे हैं, तब हम आने वाली पीढ़ियों के सपनों के विस्तार के बीज बो रहे हैं।
ये भारत की ग्लोबल पावर और ग्लोबल गुरु मंत्र ही है कि पाकिस्तान के समर्थक देश भी भारत के पक्ष में झुके हुए हैं। G20 की मीटिंग में तुर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान भी शामिल हुए और UN सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की परमानेंट सीट का भी समर्थन किया। अमेरिका हो या ब्रिटेन, सभी ने माना कि UN के गठन के बाद से अब तक दुनिया बदल चुकी है। A country like India, being there on the UN Security Council, we would be proud. But as you know, the world is bigger than, larger than five. And when we say the world is larger than five, what we mean is that it's not only about the US, the UK, France, China and Russia. I mean, those five countries. We don't only want to have those five countries on the Security Council of the UN. G20 में हमेशा से ही G7 देश हावी रहे हैं, लेकिन ये पहली बार था जब अमीर देशों की बजाय भारत इस सम्मेलन में हावी रहा। ग्लोबल गुरु भारत की बात का विजन इतना ज्यादा है कि गरीब मुल्कों के समूह अफ्रीकन यूनियन को भी G20 का परमानेंट मेंबर बनाने पर सहमति बन गई। 55 देशों का समूह अफ्रीकन यूनियन ब्राजील ईयर से G20 का परमानेंट मेंबर होगा। G20 को बने 24 साल हो चुके हैं। इन 24 सालों में एक भी मौका ऐसा नहीं आया जब मीटिंग के हर एजेंडे पर सारे मुल्क सहमत हो गए, किसी ना किसी बात पर किसी ना किसी मुल्क को एतराज था। यूक्रेन युद्ध की बात भी नई दिल्ली डेक्लेरेशन में है, फिर भी रूस इस पर सहमत हो गया। अमेरिका और रूस के रिश्ते, अमेरिका और चीन के रिश्ते, भारत और चीन के रिश्ते, भारत और तुर्की के रिश्ते, ये तमाम रिश्ते बहुत उलझे हुए हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इन मुल्कों के संबंध हर लिहाज से अच्छे नहीं, हर लिहाज से, फिर भी ये तमाम देश एकजुट होकर एक ही डेक्लेरेशन के लिए तैयार हुए, ये करिश्मा है। 2022 में जब बाली में G20 समिट हुआ तब भी हालात कैसे थे? बिल्कुल ऐसे थे, लेकिन भारत ने ये बता दिया कि दुनिया के हालात चाहे जैसे भी हो, वसुदेव कुटुंबकम की धारणा और मान्यता ही है जो पूरी दुनिया को एक सूत्र में, एक धागे में पिरो रही है। G20 की नई दिल्ली में हुई बैठक में भारत के ग्लोबल गुरु बनने की नींव पड़ी, भारत को ग्लोबल साउथ का लीडर मान लेने के साथ। बैठक शुरू होते ही G20 देशों ने अफ्रीकन यूनियन को इसका मेंबर बना लिया गया। ग्लोबल साउथ में मैक्सिको से शुरू होकर लैटिन अमेरिकी देश जैसे ब्राजील और अर्जेंटीना आते हैं। अफ्रीका महाद्वीप ग्लोबल साउथ का हिस्सा है, जबकि UAE और सऊदी अरब जैसे देशों के साथ ही भारत, इंडोनेशिया और मलेशिया तक इसके सदस्य हैं। आगे की कार्यवाही शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। कुछ साल पहले तक जापान को भी ग्लोबल नॉर्थ यानी कि अमीर देश ग्लोबल साउथ का ही हिस्सा मानते थे, लेकिन अब ग्लोबल साउथ से ये देश बाहर है। भारत के आह्वान पर दुनिया के अमीर देशों का अफ्रीकी देशों को G20 का हिस्सा मान लेना ही भारत को ग्लोबल गुरु बनाता है, भारत को ग्लोबल साउथ का लीडर बनाता है। इट इज अ मैटर ऑफ पर्टिकुलर सैटिस्फैक्शन फॉर अस दैट द अफ्रीकन यूनियन हैज दिस मॉर्निंग बिकम अ परमानेंट मेंबर ऑफ द G20, दैट टू ड्यूरिंग द इंडियन प्रेसिडेंसी। दिस इज इन कीपिंग विद द प्रायोरिटी दैट वी अटैच टू एड्रेसिंग द अर्जेंट कंसर्न्स ऑफ द ग्लोबल साउथ। यू वुड रिकॉल that at the beginning of our presidency, Prime Minister Modi's initiative, 125 nations were consulted to express the voice of the global south. G20 की बैठक में ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस पर भी सहमति बनी। इस बेहद अहम मसले पर भी G20 के देश एकजुट हुए और उपेक देशों पर निर्भरता कम करने पर सहमति बनी। बायोफ्यूल यानी पेड़ पौधे और अनाज वगैरह से बनने वाला ईंधन जो क्रूड की तुलना में कम प्रदूषण करता है,
इससे कार्बन उत्सर्जन कम होता है। भारत, अमेरिका और ब्राजील ग्लोबल फ्यूल अलायंस के फाउंडर मेंबर हैं, जबकि इटली और अर्जेंटीना समेत G20 के 11 देश इससे जुड़ चुके हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में G20 को नई संजीवनी मिली है। खुद पश्चिमी देशों ने भी माना है कि पीएम मोदी ने G20 सम्मेलन को नए आयाम तक पहुंचाया है। I want to thank you, Mr. Prime Minister. One earth, one family, one future. That's the focus of this G20 summit. ग्लोबल गुरु भारत का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। ग्लोबल गुरु की बात पूरी दुनिया मान रही है। पीएम मोदी के एक आह्वान पर दुनिया एकजुट हो जाती है। ये भारत के विजन का ही असर है कि पूरी दुनिया अब वसुधैव कुटुंबकम को मानवता का आधार मान रही है। तो एक तरफ रणनीतिकारों की मेहनत, जिसने दिल्ली घोषणा पत्र पर सबकी सहमति लेने का जो मुश्किल टास्क है वो पूरा कर लिया, और दूसरी तरफ एक टीम वो भी जो ग्राउंड वर्क में लगी हुई थी, जिसने दिल्ली में दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्कों के राष्ट्र अध्यक्षों को ऐसा एहसास दिया, वो याद, वो एक्सपीरियंस दिया कि वो भारत की मेजबानी के मुरीद हो गए। भारत मंडपम से लेकर दिल्ली के तमाम सड़क चौराहों को इस तरह से सजाया गया कि हमारे अतिथि उसे देखकर भारत की तरक्की के साथ साथ सनातन संस्कृति को भी पहचान गए। इतना खूबसूरत समागम था। इस तैयारी के पीछे भी एक टीम है जिसको हर वो लक्ष्य हासिल करने का जिम्मा दिया गया था, और उन्होंने किया जिसे G20 की बैठक के लिए तैयार किया गया था। आज उन लोगों के बारे में जानना, उनके कामों को समझना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हमारे इन तमाम हीरोज को धन्यवाद कहना भी आज जरूरी है। हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी। जिनके बारे में आम लोगों को जानकारी नहीं थी, लेकिन एक टीम इसके लिए लगातार मेहनत कर रही थी, जो सफलता द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन के जरिए भारत के हिस्से में आई, उसके पीछे की मेहनत की जानकारी G20 में भारत के शेरपा अमिताभ कांत ने ट्वीट के जरिए दी। अमिताभ कांत ने ट्वीट में लिखा, G20 में सबसे मुश्किल काम था जियोपॉलिटिकल मसले पर आम सहमति बनाना। ये तब संभव हुआ, 200 घंटे तक लगातार चर्चा की गई। इस दौरान 300 द्विपक्षीय मुलाकात हुई, 15 ड्राफ्ट बनाए गए। इन सब के लिए मेरे साथ दो बेहतरीन अधिकारी नागराज नायडू और इनेम गंभीर जुटी रही। इस ट्वीट के साथ ही अमिताभ कांत ने दोनों अधिकारियों के साथ तस्वीर भी ट्वीट की। लेकिन आप सोचिए, 200 घंटे तक लगातार दुनिया के 19 अलग अलग मुल्कों के अधिकारियों के साथ चर्चा, वो भी उन मुद्दों पर जिन पर एक सहमत होता तो दूसरा असहमत हो जाता, और इस कारण 300 बैठकें करनी पड़ी, एक के बाद एक 15 ड्राफ्ट बनाए। शब्दों पर कोई न कोई देश असहमति जता देता, लेकिन हमारे अधिकारियों ने हार नहीं मानी, और आखिरी वक्त पर जब बात बनती नहीं दिखी तो हमारे अधिकारियों ने अपने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया और प्रधानमंत्री मोदी के साथ सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों के संबंधों का भी सहारा लिया। इसके बाद शुक्रवार की देर रात सभी सदस्य देशों ने 15वें ड्राफ्ट पर सहमति जता दी, जिसे द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन नाम दिया गया। और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसके लिए G20 के सभी देशों का धन्यवाद किया। मेरा प्रस्ताव है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडॉप्ट किया जाए। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। द
न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। दरअसल किसी भी सम्मेलन को तभी सफल माना जाता है जबकि उसका एक घोषणा पत्र जारी हो, और इस G20 घोषणा पत्र की खास बात ये रही कि इस पर 100% सहमति बनी। घोषणा पत्र पर ना तो रूस यूक्रेन विवाद का साया पड़ा और ना ही चीन की पैतरेबाजी का माल। नई दिल्ली घोषणा पत्र पर सबकी सहमति बनाने में पर्दे के पीछे की मेहनत के केंद्र में थे भारत के G20 शेरपा अमिताभ का। G20 में चर्चा से लेकर व्यवस्थाओं तक का जिम्मा अमिताभ कांत के पास था। अमिताभ कांत इससे पहले नीति आयोग के CEO थे। अमिताभ कांत 1980 बैच के IAS ऑफिसर हैं। अमिताभ कांत IAS बनने के बाद केरल कैडर में तैनात थे। उत्तर प्रदेश के बनारस में पैदा हुए अमिताभ कांत ने भारत सरकार के कार्यक्रमों स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, इनक्रेडिबल इंडिया में भी अहम भूमिका निभाई है। 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी ने योजना आयोग की जगह नीति आयोग का गठन किया, उसी वक्त से अमिताभ कांत प्रधानमंत्री की कोर टीम का हिस्सा रहे। दरअसल जब अमिताभ कांत औद्योगिक नीति और विकास विभाग के सचिव थे, तब से ही प्रधानमंत्री को इन्होंने प्रभावित किया, और उनकी प्रतिभा के कारण ही प्रधानमंत्री मोदी ने अमिताभ कांत को G20 के शेरपा का सबसे मुश्किल काम दिया। और अमिताभ कांत ने प्रधानमंत्री मोदी के भरोसे को कायम रखते हुए दिल्ली घोषणा पत्र पर आम सहमति बनाने का सबसे मुश्किल काम कर दिखाया। अमिताभ कांत के काम की सराहना सिर्फ सत्ता पक्ष ही नहीं, आज विपक्ष भी कर रहा है। कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने भी मौजूदा वैश्विक हालातों के बीच G20 नेताओं की संयुक्त घोषणा पत्र पर आम सहमति बनाने के लिए G20 शेरपा अमिताभ कांत की तारीफ की। ये G20 में भारत के लिए गर्व का क्षण है, बहुत शानदार अमिताभ कांत। ऐसा लगता है कि जब आपने IAS का विकल्प चुना तो IFS ने एक उत्कृष्ट राजनयिक खो दिया। G20 में भारत के लिए गर्व का क्षण, ये कहते हैं कांग्रेस के सांसद शशि थरूर। That is in some ways both a credit to India for taking the message of the G20 to the entire people, but it's also an attempt by the ruling party to instrumentalize the G20 as something that would turn out to be an asset for them politically. Now, they have every right to do that. They're the ruling party. But no other country has done this before. India has hosted many summits. Never has a ruling party celebrated its leadership in such a way. The whole Vishwaguru concept, the posters of Mr. Modi every 50 meters in Delhi over the weekend, all of these are advertising the G20 as if it is a personal achievement of Mr. Modi and the BJP government. And that, I think, has raised some eyebrows, even internationally, judging by some of the foreign coverage I've seen of the G20. So success when it comes to the outcome, less impressive when it comes to the democratic practices that were not followed, and somewhat sort of curious that the one of the main purposes of the G20 appears to have been to anoint the ruling party and the prime minister for the forthcoming general elections. That would be my overall assessment. अमिताभ कांत ने जो लक्ष्य हासिल किया उसके पीछे एक पूरी टीम काम कर रही थी, और असल में भारत की सफलता के पीछे इस टीम का बड़ा योगदान है। अमिताभ कांत की टीम के 4 अधिकारियों की खास तौर पर चर्चा हो रही है, जिसमें सबसे पहला नाम है नागराज नायडू काकनूर का। 1998 बैच के IFS अधिकारी नागराज नायडू काकनूर भारत के G20 सचिवालय में संयुक्त सचिव हैं। 4 बार चीन में तैनात रहे काकनूर धारा प्रवाह चीनी भाषा बोलते हैं। इसके अलावा उन्होंने भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र में भी काम किया है। काकनूर के पास अमेरिका के फ्लेचर इंस्टीट्यूट ऑफ डिप्लोमेसी से कानून और कूटनीति में मास्टर डिग्री ली है। G20 में वो भारत की तरफ से एंटी करप्शन, संस्कृति, विकास, डिजिटल इकोनॉमी, शिक्षा और पर्यटन पर कार्यकारी समूह का हिस्सा थे। दूसरे अधिकारी हैं इनम गंभीर। भारतीय विदेश सेवा की साल 2005 की अधिकारी इनम गंभीर धारा प्रवाह स्पेनिश भाषा बोलती हैं। वो भारत के G20 सचिवालय में संयुक्त सचिव हैं। इनम गंभीर भारत की तरफ से कई देशों में काम कर चुकी हैं। वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान से जुड़े मुद्दों की एक्सपर्ट हैं। उनके पास इंटरनेशनल सिक्योरिटी और गणित में मास्टर्स की डिग्री है। इनम गंभीर अंग्रेजी, हिंदी और स्पेनिश भाषा में कविताएं भी लिखती हैं। तीसरे अधिकारी हैं आशीष कुमार सिन्हा। G20 सचिवालय में संयुक्त सचिव आशीष कुमार सिन्हा 2005 के IFS अधिकारी हैं। वो नैरोबी में भारतीय दूतावास में तैनात रहे और पाकिस्तान के मुद्दों पर काम करने के विशेषज्ञ हैं। सिन्हा स्पेनिश भाषा भी बोलते हैं। सिन्हा भारत की शेरपा टीम के अहम सदस्य हैं।
चौथे सदस्य हैं अभय ठाकुर, 1992 बैच के IFS अधिकारी। अभय ठाकुर अमिताभ कांत के सहायक सचिव हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद राजनयिक बने अभय ठाकुर अमिताभ कांत की टीम में हर वार्ता में हिस्सा रहे हैं। ठाकुर मॉस्को, लंदन, हो ची मिन सिटी में भारतीय दूतावासों में तैनात रहे हैं। वो नाइजीरिया और मॉरिशस में भारत के हाई कमिश्नर भी रहे हैं। और यही वो टीम थी जिसने प्रधानमंत्री मोदी की सोच को मुकाम तक पहुंचा दिया, जिन्होंने दिखा दिया भारत की कूटनीति का दम, जिसने सभी सोच को 37 पन्ने के घोषणा पत्र में शामिल किया। लेकिन 20 देशों के अधिकारी उस घोषणा पत्र के एक भी पन्ने पर असहमति नहीं दे पाए। तो एक तरफ रणनीतिकारों की मेहनत, जिसने दिल्ली घोषणा पत्र पर सबकी सहमति लेने का जो मुश्किल टास्क है वो पूरा कर लिया, और दूसरी तरफ एक टीम वो भी जो ग्राउंड वर्क में लगी हुई थी, जिसने दिल्ली में दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्कों के राष्ट्र अध्यक्षों को ऐसा एहसास दिया, वो याद, वो एक्सपीरियंस दिया कि वो भारत की मेजबानी के मुरीद हो गए। भारत मंडपम से लेकर दिल्ली के तमाम सड़क चौराहों को इस तरह से सजाया गया कि हमारे अतिथि उसे देखकर भारत की तरक्की के साथ साथ सनातन संस्कृति को भी पहचान गए। इतना खूबसूरत समागम था। इस तैयारी के पीछे भी एक टीम है जिसको हर वो लक्ष्य हासिल करने का जिम्मा दिया गया था, और उन्होंने किया जिसे G20 की बैठक के लिए तैयार किया गया था। आज उन लोगों के बारे में जानना, उनके कामों को समझना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हमारे इन तमाम हीरोज को धन्यवाद कहना भी आज जरूरी है। राज्यपाल वीके सक्सेना की टीम के जिम्मे स्वास्थ्य व्यवस्था, दिल्ली का सौंदर्यकरण, मेट्रो स्टेशन के मैनेजमेंट जैसी अहम जिम्मेदारी थी। इसके साथ ही जलभराव जैसी समस्या का तुरंत निपटारा भी इसी टीम के हिस्से था। इस टीम में दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार, DDA के उपाध्यक्ष शुभाशीष पांडा, ITPO के CMD प्रदीप खरोला, दिल्ली के पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा, स्पेशल CP ट्रैफिक SS यादव, स्पेशल CP लॉ एंड ऑर्डर दीपेंद्र पाठक, ज्वाइंट CP भोला शंकर जायसवाल शामिल थे। इन अधिकारियों और इनके अंदर काम कर रहे कर्मचारियों की मेहनत का नतीजा रहा कि दिल्ली दुल्हन की तरह सजी दिखी। हमारे मेहमान दिल्ली को देखकर बेहद खुश दिखे और दिल्ली ने पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। G20 समिट में दुनिया भर के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, लेकिन इस मीटिंग में सबकी निगाहें जिस शख्स पर रही वो है सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस MBS, जिन्हें मोहब्बत में MBS कहते हैं। नाम है मोहम्मद बिन सलमान। सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भारत के स्टेट विजिट पर आए, जो ये बताता है कि खाड़ी मुल्कों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति क्या रंग ला रही है। सऊदी अरब चीन और पाकिस्तान का बहुत करीबी है, लेकिन PM मोदी के नेतृत्व में सऊदी अरब जैसे देश भारत को एक भरोसेमंद और मजबूत साथी के रूप में इस वक्त देख रहे हैं। इस विजिट के दौरान भारत और सऊदी अरब के बीच बहुत सारे अहम समझौते हुए हैं। इसमें भारत से सऊदी अरब से होते हुए यूरोप तक जो कॉरिडोर बनने वाला है वो बहुत खास है। इस कॉरिडोर को आप चीन के BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की काट मान सकते हैं। इस समझौते के वक्त जब क्राउन प्रिंस और बाइडेन ने हाथ मिलाया, तब की ये तस्वीर आप देखिए, तभी PM मोदी ने दोनों का हाथ थामा ऊपर से। ये तस्वीर दुनिया भर में वायरल हुई है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच एनर्जी सेक्टर को लेकर भी बड़ा MOU साइन हुआ है। क्यों ये रिश्ता इतना अहम है, अब इसे समझिए। पाकिस्तान, नजदीक आए सऊदी अरब हिंदुस्तान। भारत सऊदी की शानदार दोस्ती, मोदी सलमान की जानदार केमिस्ट्री। भारत और सऊदी, दिल डील और दोस्ती। भारत सऊदी अरब,
अमेरिका कॉरिडोर वर्ल्ड इकोनॉमी की नई बागडोर। पाकिस्तान की हर मुसीबत का हल और सबसे बड़ा मददगार सऊदी अरब अब भारत के साथ तरक्की की नई रफ्तार तय करने के लिए तैयार है। भारत की राजकीय यात्रा पर आए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें बताती हैं कि अब खाड़ी देशों और भारत के बीच कितनी अहम साझेदारी हो रही है। हम हमारे संबंधों में नए और आधुनिक आयाम जोड़ रहे हैं। भारत के लिए सऊदी अरब हमारे सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक पार्टनर में से एक है। विश्व की दो बड़ी और तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं के रूप में हमारा आपसी सहयोग पूरे क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में भारत और सऊदी अरब के बीच 8 समझौतों पर सिग्नेचर हुए, जिसमें ऊर्जा, डिजिटीकरण, CPB और सऊदी का भ्रष्टाचार निरोधी अभियान, राष्ट्रीय आर्काइव, निवेश, आयात निर्यात बैंक, MSME, समुद्री जल को पीने लायक बनाना। इसके अलावा दोनों देशों के बीच अपनी अपनी करेंसी में कारोबार, भारत सऊदी वेस्टर्न कोस्ट टर्मिनल पर संयुक्त कार्यबल और निगरानी का इंतजाम के अलावा भारत और सऊदी अरब के बीच UPI के इस्तेमाल पर भी चर्चा हुई। इस समझौते पर सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने G20 समिट के शानदार आयोजन के लिए भारत और PM मोदी को शुक्रिया कहा। उन्होंने भारत और सऊदी की मजबूत दोस्ती का हवाला देते हुए कहा कि दोनों देश बेहतर भविष्य के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। The Indians in Saudi Arabia had a large part in the economic growth of Saudi Arabia. Today they are 7% of the population of Saudi Arabia, and we consider them to be a part of Saudi Arabia. We watch and take care of them like we take care of our own citizens. We hope that this council will meet the aspirations of our people, and we wish us success. इससे पहले क्राउन प्रिंस राष्ट्रपति भवन पहुंचे, जहां उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद दोनों देशों के बीच पहली रणनीतिक साझेदारी परिषद की बैठक हुई, जिसमें दो मंत्री स्तरीय समितियों यानी राजनीतिक, सुरक्षा, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग समिति और अर्थव्यवस्था और निवेश सहयोग समिति के तहत हुई प्रगति की समीक्षा की। इसके अलावा दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। G20 समिट के दौरान सऊदी क्राउन प्रिंस की ये विजिट भारत की अहम कामयाबी मानी जा रही है। G20 शिखर सम्मेलन में जिन समझौतों को सबसे अहम माना जा रहा है, वो है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। PM मोदी, राष्ट्रपति जो बाइडेन और क्राउन प्रिंस की मौजूदगी में इन समझौतों में जब क्राउन प्रिंस और बाइडेन ने हाथ मिलाया, तभी PM मोदी ने दोनों का हाथ थाम लिया। इस तस्वीर की दुनिया भर में चर्चा हुई। इस इकोनॉमिक कॉरिडोर में भारत से मिडिल ईस्ट होते हुए यूरोप, अमेरिका और भूमध्य सागर तक डायरेक्ट रेल और शिप नेटवर्क बनेगा। इस प्रोजेक्ट में भारत से शिप से सामान को दुबई से इजराइल में स्थित हाइफा बंदरगाह तक रेल से ले जाया जा सकेगा। इसके बाद वहां से शिप के जरिए आसानी से यूरोप में एंट्री हो जाएगी। इसमें समय भी कम लगेगा और खर्चा भी कम आएगा। इस कॉरिडोर को चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर के तौर पर देखा जा रहा है। मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब एक बड़ी ताकत है। इसका इस्लामिक देशों पर खासा प्रभाव है। काफी वक्त से सऊदी अरब लगातार पाकिस्तान को मदद कर रहा था और चीन के नजदीक जा रहा था। ऐसे में सऊदी अरब के इस कॉरिडोर से जुड़ने से पाकिस्तान और चीन दोनों चिंता में हैं। सऊदी सरकार न केवल कंगाल पाकिस्तान को अरबों डॉलर की मदद देती थी, बल्कि दोनों देशों के सैनिक भी साथ नजर आते थे। पाकिस्तान कुछ साल पहले तक सऊदी अरब के जरिए भारत के खिलाफ इस्लामिक देशों की संस्था OIC पे दबाव बनाता था। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है, क्योंकि PM मोदी के कार्यकाल में भारत ने मिडिल ईस्ट से संबंध मजबूत करने पर काफी ध्यान दिया, जिसकी बदौलत आज भारत सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। सऊदी अरब भारत का चौथा बड़ा ट्रेड पार्टनर है। 2022-23 में दोनों देशों में द्विपक्षीय व्यापार 52.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। सऊदी अरब में भारतीय निर्यात में वृद्धि हुई। 2021 के 5.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से इस साल भारत का निर्यात 10.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो चुका है। आज 2700 से अधिक भारतीय कंपनियां सऊदी अरब में विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही हैं। सऊदी अरब भारत के लिए कच्चे तेल और LPG का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत है और वो महाराष्ट्र में वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी प्रोजेक्ट लाने के लिए तैयार है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में भी साझेदारी बढ़ रही है। दोनों देशों के बीच 2014 में रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
जिसके बाद अगस्त 2021 में दोनों देशों के बीच सऊदी अरब में पहला संयुक्त नौसेना अभ्यास अल मोहम्मद अल हिंदी हुआ था। इसी साल मई में इसका दूसरा सैन्य अभ्यास किया गया। भारतीय नौसेना आईएनए के जहाज सऊदी अरब की नियमित यात्राएं कर रही है। सऊदी अरब और भारत के बीच कारोबार के अलावा लोगों का संपर्क भी बहुत बड़ा है। सऊदी में सबसे ज्यादा 24 लाख भारतीय रहते हैं, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री 2047 में भारत को विकसित मुल्क बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं, उसी तरह क्राउन प्रिंस सलमान की मंशा भी सऊदी को मिडिल ईस्ट का यूरोप बनाने की है। इसीलिए ये केवल दो देशों के संबंधों की मजबूती नहीं है, बल्कि दो मजबूत इच्छा शक्ति वाले नेताओं के संबंधों की भी मजबूती है। तो ये दो नेताओं की जो दोस्ती है, इसके पीछे एक विजन भी है। मोहम्मद बिन सलमान चाहते हैं सऊदी अरब को उस विजन के तहत उस मुकाम पर पहुंचाना जहां वो ये कह रहे हैं कि मैं यूरोप के रूप में सऊदी अरब को देखता हूं मिडिल ईस्ट में। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जिनका विजन है कि मैं हिंदुस्तान को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर देखना चाहता हूं 2047 तक। ये समझ लीजिए कि मैं विकसित हिंदुस्तान को देखना चाहता हूं। दोनों का ये विजन है, ये ललक है अपने देश के लिए कि इतना नजदीक एक दूसरे को लेकर आते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे की इस ललक को, इस भूख को अपने देश के लिए, इस मोहब्बत को समझ पाते हैं। बहरहाल अब आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली में G20 का आयोजन सिर्फ भारत की कूटनीति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्लोबल लीडर वाली छवि को मजबूत करने के लिए ही नहीं जानी जा रही है। बहुत सी चीजें जिसको लिए जानी जाएगी, और इसीलिए ये मेरा हिंदुस्तान है मैं आज इस पर खास बात। भारत की सनातन संस्कृति की जीत के तौर पर G20 को देखा जाएगा, और वो इसलिए क्योंकि इस आयोजन की थीम थी वसुदेव कुटुंबकम, जिसका मतलब होता है पूरा विश्व एक परिवार है, और अतिथि देवो भव यानी मेहमान हमारे लिए देवता है, देवता के समान है। इस सूत्र वाक्य पर मेहमानों का स्वागत हुआ। सनातन संस्कृति के इन दो महान वाक्यों के जरिए दुनिया को यह बताया गया कि सनातन का नजरिया हमेशा से दुनिया को परिवार मानने का रहा है, और जो हमारा मेहमान होता है उसकी हम देवता की तरह पूजा करते हैं। G20 मीटिंग के जरिए भारत के इन दोनों सनातनी मंत्र की गूंज पूरी दुनिया ने सुनी। पूरे आयोजन में भारत और भारत की आत्मा, सनातन संस्कृति, हमारी परंपरा, परंपरा के प्रतीक और भारत की प्राचीन ज्ञान विज्ञान की वो ललक को कैसे शोकेस किया गया, उसे देखिए और गर्व कीजिए। में भारत ने इस बार पूरी ढसक और धमक के साथ अपनी संस्कृति का प्रदर्शन किया। दिल्ली में दुनिया ने नए भारत की कूटनीति का दम देखा और भारत की पुरानी संस्कृति और ज्ञान विज्ञान की झलक भी देखी। भारत ने अपने कल्चर को चार्टर में ही जोड़ने का काम किया। दिल्ली चार्टर के 37 पेज के घोषणा पत्र की शुरुआत ही वसुधैव कुटुंबकम से हुई। इसका मतलब है कि पूरी दुनिया एक परिवार है। जब बैकड्रॉप में सुबह कोणार्क का सूर्य मंदिर और शाम में नालंदा यूनिवर्सिटी हो, तो आपकी सांस्कृतिक पैकेजिंग और मार्केटिंग वैसे ही हो जाती है। भारतीय संस्कृति इस देश की संस्कृति है, जो सनातनी संस्कृति है वही इस देश की संस्कृति है। इसीलिए इस पूरे आयोजन में भारत की आत्मा, सनातन संस्कृति, सांस्कृतिक के प्रतीक और भारत के प्राचीन ज्ञान विज्ञान की झलक साफ दिखाई दी। सनातन के कुछ बुनियादी सिद्धांत हैं, जिनमें से एक है वसुधैव कुटुंबकम और दूसरा है अतिथि देवो भव। अतिथि मतलब मेहमान, ऐसा मेहमान जिसके आने का वक्त तय ना हो। अतिथि यानी जिसकी तिथि निश्चित ना हो। ऐसा मेहमान अगर घर आ जाए तो उसके साथ कैसा सलूक या व्यवहार करना चाहिए, यही इस सूत्र वाक्य में बताया गया है। मतलब भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो मेहमान को भगवान का दर्जा देता है। तृतीय उपनिषेधक के
शिक्षा वल्ली अध्याय में एक श्लोक है, देव पितु कर्म्याभम ना ब्रमति त्यव्यम मातु देवो भव, पितु देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, जिसका मतलब है कि देवता और पितरों के कार्य में लापरवाही नहीं करें। माँ, पिता, गुरु और अतिथि देव तुल्य होते हैं। संस्कृति को परफॉर्मिंग आर्ट यानी नृत्य, गीत, संगीत तक ही समेटने की कोशिश की जाती है, जबकि भारत की संस्कृति बहुत विराट है। पिछले 7 दशकों से सनातन संस्कृति को नकारने की ही राजनीति की गई, लेकिन इस बार G20 में प्राचीन वैदिक वाद्य यंत्रों से लेकर जनजातीय कला और यंत्रों का प्रदर्शन किया गया। जल बहार, जल तरंग, विचित्र वीणा, सरस्वती वीणा जैसे वाद्य यंत्रों की आवाज सुनाई। विदेशी मेहमानों ने दिलरुबा, ढंगली, सुंदरी जैसे लोक वाद्यों और लोक नृत्य का आनंद लिया। भारत मंडपम ने, नटराज की विशाल नृत्य मुद्रा ने इस आयोजन को भारत की सनातन संस्कृति से जोड़ा। इसके अलावा 26 पैनल्स के माध्यम से वॉल ऑफ डेमोक्रेसी के जरिए भारत के 5000 वर्षों के इतिहास को बताया गया। वैदिक सभ्यता से लेकर रामायण, महाभारत, बौद्ध जैन धर्म, महाजनपद, कौटिल्य, पाल साम्राज्य, लखीमपुर के ताम्रपत्र और तमिलनाडु के प्राचीन शहरों की तस्वीरों ने विदेशियों के सामने भारत की एक अलग और मजबूत छवि पेश की। अब भारत अपनी संस्कृति को घर में ही सम्मान दे रहा है तो विदेशियों में भी इसकी इज्जत बढ़ रही है। दरअसल 7 दशकों तक भारत की संस्कृति को छिपाना और दिल्ली आगरा तक सीमित रखना ही राजनीति था, लेकिन दिल्ली में G20 के माध्यम से इसी को सुधारा गया। इसलिए चीन का आरोप है कि भारत अपनी संस्कृति दूसरे देशों पर थोपना चाहता है। और इसीलिए इतराइए कि आप भारत में हैं, गर्व कीजिए कि आप भारत के इस काल के साक्षी बन रहे हैं। तो रूबिका लियाकत शो में मुझे इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा भारत 24।